Hey guys, आज हम देखेंगे फुल चिकन ईटिंग चैलेंज। ये चैलेंज आज स्टेला एंड आसमर फैन के बीच में देखेंगे, तो चलिए गाइस देखते हैं। ये देखिए गाइस, दोनों की चिकन कितना यामी लग रहा है देख के ना, मुझे भी लग रहा है कि एक बाइट ले लूं। और देखिए गाइस, दोनों ने एक ही साथ शुरू किया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देख के। स्टेला के पास तो फ्रेंच फ्राइज भी है। और आसमर फैन के पास बहुत ही ज़्यादा वेजीज है। ये देखिए गाइस, चिली, थ्री कलर की चिली। अभी लेग पीस को देख के ना मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। गाइस वो गाना तो आप सबने सुना ही होगा। गाइस वो गाना आपको कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइएगा कि इन दोनों में से आपका कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के, किसका ईटिंग देख के ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है। मुझे तो दोनों की ही देख के पानी आ रहा है। ये देखिए गाइस, स्टेला ने क्यूकम्बर थोड़ी फ्रेशनेस के लिए खा ली, अब फिर से चिकन खाने वाली है। ये देखिए आसमर फैन भी कुछ भिजी खा रही है फॉर सम फ्रेशनेस। वाओ गाइस, दोनों की सॉसेस भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये देखिए गाइस, स्टेला ने एक बड़ी बाइट ले ली है। और आसमर फैन कुछ किमची सा उस जैसे ही कुछ खा रही है। चिकन, आई लव चिकन गाइस। ये देखिए गाइस, ये भी पान जैसा कुछ वेजीज में मुड़ के चिकन खा रही है। ये स्टाइल ना मुझे बहुत ही अनोखा एंड बहुत ही ज़्यादा यामी लगता है। ओह माय गॉड, रेड चिली देखिए गाइस दोनों में। ये क्यूकम्बर ले रही है आसमर फैन। वो गाइस देखिए, स्टेला ने फिर से बड़ा सा बाइट ले ली। ओह माय गॉड, काफी ज्यादा बिग बाइट थी।
खाने के साथ साथ ये ज़्यादा अच्छे से उसे सजाना, उसे प्रेजेंट करना, प्लेटिंग करना, ये ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर खाना देख के मुँह में पानी आ रहा है ना, तो बात ही कुछ अलग है। और इन दोनों ने इतने बढ़िया से प्रेजेंटेशन की है ना कि देख के ना खाने के मन कर रहा है। और बहुत ही नीट एंड क्लीनली है, दोनों खा रही है। बीच बीच में बेजीज या फिर इन चीज़ें खा रही है, इसे देख कर बहुत फ्रेश फील होता है। स्टेला के पास दोनों सॉसेस है, चीज सॉस, मुझे लग रहा है कि वो चीज सॉस ही है, ये केचप। देखिए गाइस, इसे फान जैसे ऐसे पत्ते गोभी में, शायद वो पत्ते गोभी है, उसमें मोड़ लिया, सॉस में डुबो के ऐसे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।